आज से शुरुआत राउंड टू की, पहला रिवर्स फिक्चर सनराइजर्स हैदराबाद के सामने चेन्नई के सुपर किंग्स। आज सिक्का उछला सीएसके के फेवर में और शायद एक सेकंड भी इंतजार नहीं किया एमएस धोनी ने ऐलान करने के लिए कि टीम आज पहले बैटिंग करेगी। टीम कॉम्बिनेशन में एक बदलाव किया लेकिन आज बल्लेबाजी क्रम में वो बदलाव ऊपर आप देखेंगे सैम करन के रूप में। यही उम्मीद है सैम करन से चेन्नई सुपर किंग्स को। 10 रन नुकसान दो ओवर के बाद पहली गेंद ड्रॉप डुप्लेसी की, पहली गेंद पर विकेट संदीप के लिए। एक बार फिर से शुरुआती दौर में ट्रबल सीएसके के लिए। मैन इन फॉर्म चेन्नई सुपर किंग्स के लिए फाफ डुप्लेसी पहली गेंद पे आउट। दूसरा ओवर खलील अहमद का, ये अच्छा तगड़ा शॉट लगाया है, यही करने आए हैं सैम करन। एक और शॉट मिड ऑन के ऊपर से बैक टू बैक बाउंड्रीज, एक कड़क शॉट एक बार फिर से, दूसरा छक्का इस ओवर का। ये जाके गेंद लगी स्टंप्स पर, विकेट नंबर 2 संदीप शर्मा। सैम करन को भेजा जरूर था लेकिन संदीप के जौहर देखिए। सैम करन ने रन बनाए 31 गेंदों में, उन्होंने अपना काम किया 35/2। इंटेंट कैपिटल लेटर्स में, कदमों का किया इस्तेमाल, रायडू ने चौके से खोला है खाता। गेंद गई है हवा में और बार से नहीं मंगवानी नहीं पड़ेगी, वापस आ गई। ये अच्छा शॉट है, ये बैक फुट पे गैप में गेंद को धकेला है, बड़ी बाउंड्री नहीं रोक पाए राशिद खान। और उसमें 6 और जोड़ लीजिए कदमों का इस्तेमाल करके करारा स्ट्रोक। तीसरा ओवर राशिद खान का, व्हाट अ शॉट, पहली गेंद शेन वॉटसन, फर्क नहीं पड़ता गेंदबाज कौन है। आखिरी ओवर राशिद खान की स्पेल का, ऊंचाई के साथ साथ दूरी भी। बीट करेगी फील्डर को, बिल्कुल नहीं, डेविड वॉर्नर लॉन्ग ऑफ स्पेशलिस्ट। अंबती रायडू बड़े शॉट्स की फिराक में, वापस जाना जरूर पड़ेगा। फुल टॉस थोड़ा और उसे ऊपर खेलना चाहते थे, 41 पे अंबती रायडू वापस जाते हुए। फुल टॉस चेस फील्डर के लिए, गैप में दूसरा चौका इस ओवर का। गई गई गई, ये आप भूल जाइए गेंद क्योंकि धोनी ने इसको डिपॉजिट किया है। आखिरी गेंद और ये 2 रन मिल जाएंगे, 167/6, सिर्फ एक बार इस मैदान पर 160 का ऊपर जो टोटल है वो चेज हुआ है सक्सेसफुली। अब इस मैदान पे इस टूर्नामेंट में अगर वापसी करनी है तो चेन्नई को रोकना होगा सनराइजर्स हैदराबाद को 168 तक पहुंचने में। डेविड वॉर्नर 125 का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा इनको शोभा देता नहीं लेकिन 275 रन बिल्कुल इनकी काबिलियत के बराबर। कड़क शॉट जॉनी बेस्टो, ट्रेडमार्क शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को घसीटा और चौका बटोरा। कड़क ये शॉट है, बहुत महीन सी थी वो दरार। यहां फील्डर मौजूद और डायरेक्ट हिट तो काम हुआ और ये काम तमाम हुआ। डीजे ब्रावो ने छेड़ी है धुन और चल पड़े बाहर पांडे जी। एक ओवर में 2 सफलताएं और इस बार तो खुदकुशी सी नजर आई। पांडे जी के खाते में मात्र 4। ये समझदारी, ये ताकत है केन विलियमसन की। स्टंप से गेंदबाजी कर रहा हूं मैं, ये इसी तरह से गलती करवाना चाहता हूं मैं और गलती करवाई भी। वैसे को चलता किया चढ़े जा रहे, 23 पे आउट, 7/3, लेकिन हल्की सी स्लो होगी। बढ़िया शॉट यहां पे, ओवर का वर्स्ट केन विलियम्स का, विलियमसन का माफ कीजिएगा। खूबसूरत शॉट विजय शंकर, क्या सही समय पे ये अन अकेडमी क्रैकिंग सिक्स है।
क्या चिप की फिर से मांग है, लेकिन वहां पे खिलाड़ी नहीं है और चौके के साथ इनका ये 13वां अर्धशतक। बड़ी हिट का प्रयास तो है यहां पे, लेकिन वो दूरी नहीं जो वो चाहते थे। करण शर्मा जिस तरीके से गेंदबाजी की है और आज गेंदबाजी की है, ड्रीम इलेवन गेम चेंजर ऑफ द मैच। केन विलियमसन 57 रन बना के वापस पवेलियन में 126 पे 6। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स ये मुकाबला जीत गई। इस सीजन पहली बारी पहले बल्लेबाजी करते हुए मौका मिला और डिफेंड किया 168, और ये मुकाबला वो 20 रनों से जीत गए।